हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टीन एज मेकअप लुक। आप लोग में से मैंने इसके पहले वैलेंटाइन डे मेकअप लुक शेयर किया है, बट वो मैं टीन एज को ध्यान में रखते हुए मैंने नहीं किया था शेयर। तो इसलिए मैं इस बार जो मैं शेयर कर रही हूँ, मैं टीन एज का ही ध्यान रखते हुए मैंने शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होना चाहिए। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके साथ उसका बेल आइकन हिट करें जिससे आपको मेरी वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक का मॉइस्चराइजर, और मेरा फेस अभी बिल्कुल क्लीन है तो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो है आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो या फिर टीनेजर हो, तो आपको फेस केयर रूटीन करना ही करना है चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी मेकअप करें तो मॉइस्चराइजर सबसे पहले अप्लाई करना हमें ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो गाइज। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है ना, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं ये बायोटिक अप्लाई कर रही हूँ और मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मॉइस्चराइजर रियली काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइज, यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल। जी हाँ, आप एज ए प्राइमर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। टीनेजर हो तो आप बिल्कुल प्राइमर तो दूर की बात है, वो आप छोड़ ही दो। तो यहाँ पर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं रहता है प्राइमर या कुछ, तो एलोवेरा जेल तो सभी के पास होते हैं ना। और इसे हमें अच्छी तरीके से मसाज करना चाहिए फेस पर एलोवेरा जेल से, ताकि हमारा फेस में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और टीनेज हो तो आप बिल्कुल एलोवेरा जेल ही अप्लाई करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके फेस के लिए। जो भी आपका फेस में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो सारे को एलोवेरा जेल आपका दूर करता है। तो काफ़ी अच्छा होता है एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए। सो गाइज, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा ग्लोई मेकअप चाहते हो ना, अगर थोड़ा सा ग्लोई चाहते हो तो आपको फेशियल ऑयल यूज करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है टीनेजर का है, तो मैं यहाँ पर कोई फाउंडेशन अप्लाई वो लोग करते भी नहीं है टीनेजर, तो यहाँ पर इसलिए मैं गाइज यहाँ पर कोई फाउंडेशन मैं अप्लाई नहीं करूँगी। तो आप यहाँ पर फेशियल ऑयल ले सकते हो अगर आप चाहते हो ग्लोई मेकअप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फेशियल ऑयल। तो यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल लिया था। देन यहाँ पर गाइज मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप कंसीलर स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर आपको पार्टी के लिए जाना है ना, तो अगर इस टाइप का अगर मेकअप करोगे, यानी कि तो बिल्कुल दाग धब्बे जो भी है ना, आपका बिल्कुल हाइड कर देगा अगर कंसीलर अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ बस मुझे लग रहा है थोड़ा इवन सा टोन है, तो मैं वहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूँगी। मैं पूरे फेस पर ही ये कंसीलर को अच्छी तरीके से हाथ से ही मैं अच्छी तरीके से आज डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हाथ से ही बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है गाइज। मैंने ट्राई किया है, हाथ से ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो अच्छी तरीके से ब्लेंड करें जिससे हमें केक ही ना लगे। हमें बहुत अच्छे से मतलब ब्लेंड करना है डैप डैप करते हुए, ताकि केक ही ना लगे। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो ब्रश का यूज करना होता है, क्योंकि जो है आप हैंड से करते हो थोड़ा केकी लगने लगता है। बट ये कंसीलर है तो ये अच्छी तरीके से वो हो रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले फेशियल ऑयल सब जो अप्लाई किया था ना, इसलिए बहुत अच्छे से हमारे फेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे। सो गाइज, ये जो है मैंने फाउंडेशन को अप्लाई हम नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं ये सब अप्लाई कर रही हूँ। और ये कंसीलर अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लैकमे का सीसी क्रीम मैं यूज करूँगी, जो सभी के पास होता है, ऑलमोस्ट सभी के पास होते ही होते हैं लैकमे का सीसी क्रीम। मुझे पता है ये सभी के पास होता है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ही मैंने लिया है, बस थोड़ा सा अप्लाई करूँगी डैप डैप करते हुए। इसे मैं हैंड से ही मैं आज करने वाली हूँ। देखिए, मैं हाथ से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ आज। हैंड से थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको मिलाना नहीं होता, डैब डैब करते हुए आपको करना होता है ना, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। और हैंड से ऐसे सही ही रहता है, क्योंकि हमारे जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, उससे कुछ कुछ प्रोडक्ट उसमें भी चले जाते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर में भी चले ही जाते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट। तो गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फेस पाउडर। लैक्मे का मैंने लिया है फेस पाउडर, और इससे हमारा जो है मेकअप एक बेस रेडी हो जाएगा बहुत अच्छा। तो इसी लिए हमें फेस पाउडर यहाँ अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फेस पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। आप हर जगह अप्लाई कर ले। सो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया है कंटूरिंग, एंड कंटूरिंग मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि जो है अगर आपका जो है फेस ज़्यादा मतलब हैवी सा है, तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंटूरिंग करने के बाद, आपका फेस एक शेप में आ जाता है। तो इसलिए मैं कंटूरिंग में बस थोड़ा सा कंटूरिंग कर रही हूँ यहाँ पर। आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा यहाँ शार्पू देने के लिए किया है अप्लाई। एंड देन यहाँ पर गाइज, इसको अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है, तो इसमें काफ़ी मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। देन
सो कंटूरिंग को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है बस आपका फेस को थोड़ा सा शार्प लुक देता है कंटूरिंग करने से, इसलिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। कहीं अगर पार्टी के लिए कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पर गाइड हमारा जो है आईब्रो में फिल कर लेती हूँ थोड़ा सा, और ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है, इसी से मैं अपना फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर गाइज ज़रूरत नहीं है फिल करने की, लेकिन जो है हमारा क्या होता है ना, हम जब फेस पर मेकअप करते हैं ना, मतलब फेस पर कुछ कुछ प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो है आईब्रो का जो है थोड़ा सा डल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फिल करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं क्योंकि हमने मेकअप किया है ना, तो थोड़ा सा वो डल हो जाता है हमारा आईब्रो, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर आईब्रो पेंसिल यूज कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। सो गाइज आज का मेकअप जो है बिल्कुल टीनेजर के ही देखते हुए मैंने यूज किया है प्रोडक्ट, क्योंकि जो फेशियल ऑयल है ना वो टीनेजर भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पर्पल पे भी मिल जाएंगे। मैंने पर्पल से ही मंगाया था, गुड वाइब्स का मैंने फेशियल ऑयल, जिससे आपका मेकअप जो है ना बिल्कुल फॉलेस लुक आता है, एकदम ग्लोई मेकअप आपका लुक आता है, तो वो काफ़ी अच्छा है हमारे मेकअप प्रोडक्ट में, वो भी रहना चाहिए। सो इसके बाद आता है आई शेडो का बारी हमारे आई मेकअप का। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज किया है कलर। अब जैसा कि देख पा रहे हो मेरा जो कलर है, ये कलर जो है मैच कर रहा है थोड़े मेरे ड्रेस से, तो मैं इसी को अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आपको गाइज ये कलर ना कहीं भी आपको मिल जाए, मतलब मैरूनिश टाइप का थोड़ा सा कलर हो जाता है, ये मैरूनिस मेरा जैसा ड्रेस है ना उसी से थोड़ा मैच करता है। ये आपको कोई भी पैलेट से कोई भी पैलेट से आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप लिपस्टिक से भी काम चला सकते हो। मैं बताऊंगी आपके लिए, एक वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी उस टाइप का टीनेजर को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत कम प्रोडक्ट में मैं यूज करूँगी, मेकअप करूँगी, तो आपके लिए मैं जल्दी ही वो वीडियो भी लाने वाली हूँ। सो गाइज यहाँ पर देख रहे हो मैंने बस अप्लाई कर लिया है इसे, इस कलर को अपने दोनों आइज पर। उसके बाद यहाँ पर गाइज मेरा डार्क कलर नहीं हो रहा था, मतलब मुझे लग रहा था मेरे ड्रेस से ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं दूसरे आई शेडो पैलेट से, स्विस ब्यूटी का आई शेडो छोटा सा पैलेट जो है, उससे मैंने ब्राउन कलर पिक किया है। देख सकते हो ये वाला कलर मैंने पिक किया है और इसके ऊपर से पैलेस बस कर दिया है। आप जैसा कि देख पा रहे हो फिंगर की हेल्प से मैंने इसको बस पैलेस कर दिया है अपने जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था मैरून कलर उसी पर, क्योंकि वो बिल्कुल सा ड्रेस से बिल्कुल मेरे मैच नहीं हो रहा था, थोड़ा लाइट सा कलर हो रहा था, इसलिए मैं इसे थोड़ा डार्क कलर कर रही हूँ। उसके बाद जो भी हमारा जो है प्रोडक्ट इधर उधर रह जाते हैं तो उसे मैं बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। देन यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का जो ग्लिटर वाला पैलेट है मेरे पास, उसी से मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर, क्योंकि ग्लिटर लगाने के बाद ही इस मेकअप में अच्छा लुक आएगा। हमने वैलेंटाइन डे के लिए लुक किया है तो इसलिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है जैसा कि आप देख पा रहे हो। बस आपको आईलिड पर ही ग्लिटर लगाना है, देन जो भी आपका इधर उधर गिर जाते हैं ना प्रोडक्ट, उसको तो आपको निकाल देना है, ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देना है। तो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, देख सकते हो आप। थोड़ा बहुत ग्लिटर अगर लगे रह जाते हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से हटा सकते हो, क्लीन कर सकते हो। तो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है गाइज। यहाँ पर एनवाईवे का मैंने ब्लू आईलाइनर लिया है और मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा आईलाइनर लगाने वाली हूँ, मतलब कोई भी विंग नहीं निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल सा ही आईलाइनर लगाऊंगी क्योंकि सिंपल ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर मैं सिंपल ही अप्लाई कर रही हूँ, देख पा रहे हो जैसा कि आप। तो मैंने यहाँ पर ब्लू आईलाइनर पिक किया है एंड इसके बाद जो है गाइज यहाँ पर मैं बस काजल लगाने वाली हूँ एंड देन जो है हमारा आई मेकअप जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो मैं मेवलिन का काजल पिक की हूँ और इसे ही मैं अप्लाई करूँगी अपने आई को क्लोज करते हुए, ताकि हमारा ऊपर भी जो है लग जाए आई में अच्छी तरीके से, जिससे हमारा आई बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप से आप आई को क्लोज करते हुए काजल लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक आता है ऐसे। एंड थोड़ा सा स्मच करते हुए हम लगाएंगे नीचे गाइज, लोअर लेस लाइन जो है ना हमारा वाटर लाइन, तो उसे हम थोड़ा सा स्मच करते हुए अप्लाई करेंगे काजल को। तो गाइज यहाँ पर मैं काजल अप्लाई कर ली हूँ, देन यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड मस्कारा लगाने के बाद जो है बहुत अच्छा लुक आने लगता है आइज का। यहाँ पर आप फेक लेसेस भी लगा सकते हो, लेकिन मैं फेक लेसेस ज़्यादा कम्फर्ट फील नहीं करती उसमें, इसलिए मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर फेस पाउडर ले रही हूँ और फेस पाउडर से जो है हमारा जो भी है यहाँ पर थोड़ा शेप दे देंगे हम कुछ इस टाइप से। फेस पाउडर से भी शेप हो जाता है हमारा, तो हमने इस टाइप से कुछ शेप दे दिया यहाँ पर। जो भी हमारा प्रोडक्ट इधर उधर गिरे हुए थे मैं उसको अच्छी तरीके से
हटा दी हूँ, रिमूव कर दी हूँ। देन यहाँ पर मैं लैक्मे का लिपस्टिक ले रही हूँ एंड इसका शेड बिल्कुल भी इसमें नहीं है, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा यूज की हूँ इसको, बिल्कुल ख़त्म हो गया है शेड नंबर उसमें। एंड देन यहाँ पर मैंने ब्लश यूज़ किया है गाइज, यहाँ पर आप ब्लश यूज कर सकते हो, मैंने पिंक कलर पिक किया है। एंड ये मेकअप कंप्लीट होता है, बहुत ही लेसी प्रोडक्ट है, इसमें वैसा कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया है, इतना प्रोडक्ट तो सभी के पास रहते ही हैं मुझे। एंड देन मैं रेडी हो गई हूँ। यही था मेरा आज का मेकअप एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी मेक श्योर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्राइब बेल आइकन हिट करें जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर हाँ आप लोग किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।